बनाते हैं एक और बढ़िया सा सैंडविच, खस्ता करारा सैंडविच, मसालेदार सैंडविच। क्या बनाना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक थोड़ी सी सब्जी बनानी है, तो जी हाँ, सब्जी वाला वेजिटेरियन सैंडविच है। तो इसे बनाने के लिए ये मेरे पास बढ़िया से पाव हैं। ये देखिए, ये सैंडविच बनाने के लिए ये पाव, ये पाव से हम बनाएंगे सैंडविच को। काट लें, पूरा नहीं काटें, वैसे कट जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, बड़ा सिंपल सा रखेंगे इसे हम, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं डालेंगे। थोड़ा तेल और प्याज, प्याज के साथ साथ इसमें थोड़ा कैप्सिकम, कटा हुआ चॉप्ड कैप्सिकम, प्याज भी चॉप किया हुआ। ये जो पाव हैं इन्हें थोड़ा सेक लें, और मैं इसे ग्रिलर के अंदर सेक लेता हूँ। ये जरा इसे सेक लेते हैं। ये मसालेदार जो सब्जी बनेगी ये इसके लिए बन रही है। तो बस ये प्याज और उसके साथ कैप्सिकम और टमाटर, इसमें नमक डाल दें ताकि ये थोड़ा सा इसमें इसका मॉइस्चर निकले। तो अभी इसमें डाल देते हैं ये नमक, और ये जो है जरा सा पानी, और अब इसके अंदर हम डालते हैं एक मसाला। और ये जो मसाला है ये आप डालें पाव भाजी मसाला, थोड़ा तीखा बनाएंगे इसे तो पाव भाजी मसाला थोड़ा ज़्यादा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पाव भाजी मसाला कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, और फिर इसके अंदर डालते हैं ये बॉइल्ड आलू। ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यदि इसे एक सार करना है तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालकर मिक्स कर लें ताकि ये एक सार हो जाए, लेकिन ध्यान रखें इसे ड्राई रखना है आपने। ये देखिए, ये जो है ये अब तैयार। इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया, और अब जो मेरे पास ये पाव हैं एकदम बढ़िया। इसमें हमें कोई मक्खन वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ इसी तरह से। और ये आलू की मस्त भाजी तैयार। और देखेंगे इसमें हमने जो तेल वगैरह डाला है वो कितना कम डाला है, इसमें भी बिल्कुल मक्खन नहीं डाल रहे हैं। अब क्या करना है, अब ये ले लेते हैं हम, ये जो हमारे पास पाव हैं ये ले लेते हैं। एक काम करें, थोड़े कुछ लेटस लीव्स ले लेते हैं हम। ये लेटस लीव डालने से इसकी एकदम डायमेंशन ही बदल जाती है। होगा तो ये बढ़िया करारा क्रिस्प, लेकिन उसके साथ साथ ये इसमें जो हमने डाल दिए हैं लेटस लीव्स, उसकी वजह से ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाएंगे। और आपने देखा इसमें जो पाव भी मैंने लिए हैं वो एकदम ब्राउन पाव लिए हैं, मक्खन का नामो निशान नहीं। और फैलाने के बाद अब इसे फोल्ड कर दें, और इसी तरह से बिना इंतज़ार करें आप इसका मज़ा लें गर्मा गर्म। ये ऊपर से क्रिस्प, बिल्कुल मक्खन तेल नहीं है, अंदर एकदम आलू प्याज टमाटर की भाजी, गर्मा गर्म मसालेदार पाव भाजी के स्वाद वाली, और उसके साथ साथ लेटस लीव्स। लंच डिनर चाय कॉफी सबके साथ में एकदम है। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। के लिए हमें चाहिए 8 ब्रेड पाव,
दो छोटे चम्मच तेल, दो प्याज बारीक कटी हुई, एक हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, दो टमाटर कटे हुए, नमक स्वादानुसार, दो छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला, दो आलू उबले और मसले हुए, दो बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और कुछ पत्तियां लेटस की। इसे बनाने के लिए सभी पाव के अंदर चीरा लगाएं और इसे ग्रिल पर सेक लें। अब एक पैन में तेल गरम करके इसके अंदर प्याज और हरी शिमला मिर्च डालकर भून लें। इसके साथ टमाटर, नमक और 1/4 कप पानी डालकर पकाएं। अब इसके अंदर पाव भाजी मसाला, उबले आलू और 1/4 कप पानी डालकर भून लें। अब इसके अंदर हरा धनिया डालकर मिलाएं। अब ग्रिल किए हुए पाव के ऊपर लेटस के पत्ते रखें, ऊपर से तैयार मसाला डालकर फैलाएं और बंद करके गर्मा गर्म सर्व करें।